तो बच्चों आज 25 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में जो हमारे पास मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस और हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, तो उनके हम लोग सॉल्यूशंस देखते हैं। बोलता है इफ ए आर इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर 10 माइनस आर, तो ए आर हमारा यहाँ पर अगर हम लोग इसके अगर एक्स की पावर 10 माइनस आर का अगर हम कोफिशियंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10c, ठीक है 10c 10 माइनस आर। और अगर हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि एन सी आर, हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10 सी आर। तो अगर ए आर हमारा ये है तो ए आर माइनस वन क्या हो जाएगा आपका 10 सी आर माइनस वन, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें हम लोग यूज़ करेंगे कि एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। तो ये हमें प्रॉपर्टी पता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ए आर अपॉन ए आर माइनस वन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस जगह पर। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 10 सी आर अपॉन 10 सी आर माइनस वन, दिस इज इक्वल टू 10 माइनस आर प्लस वन अपॉन आर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 11 माइनस आर अपॉन आर। तब हमें इसकी वैल्यू इसने बोला है फाइंड आउट करने के लिए, तो सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक आर क्यूब, और इसकी वैल्यू जब आप यहां पर पुट करेंगे तो 11 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक आर एंड 121 प्लस आर स्क्वायर माइनस 22 आर, ठीक है। तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक एंड क्या आ जाएगा आपका 121 आर माइनस 22 आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेकर, तो 121 आपका क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा आर माइनस 22 सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा आर क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सिग्मा आर की वैल्यू, तो सिग्मा आर की वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ पर, तो सिग्मा आर की वैल्यू हमारी क्या होती है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हमारे 10 टर्म्स है, 10 इंटू 11 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 55। सिग्मा आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितना आएगा एन इंटू एन प्लस वन, 10 इंटू 10 प्लस 1 11 इंटू 2R प्लस 1, ये हमारा फार्मूला होता है सिग्मा आर स्क्वायर का एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2N प्लस 1 अपॉन 6। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 21 अपॉन 6, ठीक है। तो इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 5, 2 से कैंसिल हो गया 3 एंड 7, तो 35 इंटू 11, तो इधर आपका आ जाएगा 385 आ जाएगी हमारी इसकी वैल्यू, सिग्मा आर स्क्वायर की जो वैल्यू है 385 आ जाएगी। फिर सिग्मा आर क्यूब की वैल्यू क्या होगी 55 का हम क्या करेंगे, इसका हमारा फार्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन का अपॉन टू का होल स्क्वायर, मतलब मींस 55 का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, 55 का स्क्वायर 3025 आएगा। तो ये सारी वैल्यूज अब हम लोग क्या करेंगे वहाँ पर पुट कर देंगे, तो इस जगह पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 121 इंटू सिग्मा आर की वैल्यू हमारी कितनी थी इस जगह पर, सिग्मा आर की वैल्यू 55 माइनस 22 और सिग्मा आर स्क्वायर की वैल्यू 385 इंटू 385 प्लस 3025 प्लस 3025। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो क्या आएगा 6655 माइनस इसके साथ इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 8470 प्लस 3025। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा 1210। तो इस क्वेश्चन में हमारा सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट था। तो ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन था और इसमें आपको जस्ट फार्मूले पता होने चाहिए जो बेसिक फार्मूले हैं। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा बस बेसिकली आपको बाइनोमियल की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए थी और सिग्मा के सारे फार्मूले जैसा कि सबको इस समय एग्जाम टाइम में आपको याद रहते हैं। एक ये लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट का क्वेश्चन हर साल लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर आप ऊपर वाली सीरीज को देखें
तो ये क्या लिखा है, सिग्मा सिग्मा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3R-2 + 3R-, क्योंकि देखिए इस सीरीज में ये तीन तीन टर्म के आपके पेयर बनने हैं ये इस तरह से, तो 3R-2 + 3R-1 - 3R/, एंड अंडर रूट 2N^4 + 3N + 1 - √(n^4 + n+3). दिस इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये एक 3R कैंसिल हो जाएगा, तो 3σ(R-1)/√(2N^4 + 3N + 1 - √(n^4 + n+3)। अब देखिए जब लिमिट हमारे पास, हम लोग हर बार क्लास में यही बात करते रहे कि अगर लिमिट हमारे पास n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे 1/n में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपका क्या है, सिग्मा 3R-1, मतलब मीन्स n-1 टर्म्स का सम अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा n-1 × n-1 + 1/2। तो ये तो हमारी इसकी वैल्यू हो गई, और आप इसे क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो जब रेशनलाइज आप करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2N^4 + 3N + 1 - (n^4 - n - 3), और आप इसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो स्क्वायर रूट में आपका क्या आ जाएगा, 2N^4 + 3N + 1 + √(n^4 + n+3)। ठीक है, तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे हमारा आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3/2, और ये आपका आ जाएगा, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, n एक आपका ये n आ गया कॉमन, 3/2 हो गया, इसमें से हम एक n कॉमन ले लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा 1 - 1/n। क्योंकि देखिए जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है तो हमें ये पता है 1/n की जो हमारी वैल्यू होती है क्या होती है, 0 होती है। अब आप इस जगह से n^4 जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा n² और स्क्वायर रूट में आ जाएगा √(2 + 3)/(2/3)/(n³ + 1/n^4) इधर आपका आ जाएगा 1 + 1/n^3 + 3/n^4, एंड डिनोमिनेटर में आपका क्या बचेगा (n^4) + 2n - 2। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक n^4 हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3/2 और n^4 × 1 - 1/n (√(2 + 3)/(n^3) + 1/n^4 + (√(1 + 1/n^3)/(4)), ये आपका n^4 कॉमन आ जाएगा तो 1 + 2/(n^3) - 2/(n^4). अब जब आप लिमिट यहाँ पर अप्लाई करेंगे n^4 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 0 0 0, तो आपको क्या मिलेगा 3/2 √(2 + 1). तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या था, करेक्ट था। तो काफ़ी बार पूछा भी गया है लिमिट का ये क्वेश्चन। ओके बच्चों, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग से आया है, जो वो ये है आपके सामने दे रखा है। तो आप जानते हैं पी इम्प्लाइज क्यू को हम किस तरीके से लिखते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू को हम लोग लिख देते हैं नेगेशन ऑफ पी क्यू, ये हो जाता है हमारा, ठीक है, इस तरीके से इसी का यूज़ करेंगे हम लोग, इम्प्लाइज के सारे जो एरो के साइंस को हटा कर ही सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P नेगेशन ऑफ Q प्लाइज, इसको हम लोग P इसको करेंगे तो ये नेगेशन ऑफ P यूनियन नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर इस एरो को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेम फार्मूले से इस वाले का यूज़ करेंगे, नेगेशन ऑफ P गाइस नेगेशन ऑफ Q और यूनियन नेगेशन ऑफ P प्लस नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा, ठीक है,
निगेशन का अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये निगेशन ऑफ पी, ये चेंज होके निगेशन ये हो जाएगा आपका क्या क्यू, और ये क्यू हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा। यहाँ से देखिए निगेशन ऑफ पी हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी जैसे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू प्लस जेड माइनस क्यू। तो वेन डायग्राम से आप चेक कर सकते हो क्यू माइनस क्यू निगेशन क्यू का जो यूनियन होता है वो क्या हो जाएगा, और यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, वो पूरा यूनिवर्स हो जाएगा, चाहे क्यू और माइनस क्यू क्या हो जाएगा, पूरा यूनिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ पी यूनियन पूरा यूनिवर्स, और यूनिवर्स के साथ यूनियन किसी का भी होगा वो पूरा क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, यानी कि यू अगर पूरा यूनिवर्स आ गया यानी पूरा यूनियन आ गया पूरा होल सेट हो गया, यानी ये कैसा हो जाएगा, ये एक प्रकार की टोटोलॉजी हो जाएगी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी इसका आंसर होगा। आपके ऑप्शन में वन आंसर दिया होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी, यही करेक्ट आंसर है क्योंकि पूरा यू आ गया इसलिए यही इसका आंसर है।